क्या है अंकल? चीको कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो मंडी, मंडी मंडी जा रहे हो क्या? मजा आ रहा है, मजा है। So hey guys, assalamualaikum, this is me Nasmalik and you're watching my vlog. तो अभी मेरा फेस इग्नोर करो, मेरी कैप इग्नोर करो, मेरे क्लोथ इग्नोर। बट इस चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन कर रहा था बर्फ की। रात को तो बर्फ नहीं गिरी, मैं तो दुआएं कर करके सोया था कि रात को बर्फ गिरे, बट अभी अभी बर्फ गिर रही, बर्फ गिर रही है। अभी आप देख रहे होंगे मेरे कपड़ों में भी बर्फ पड़ रही है। इनकी बर्फ इतनी जुड़ती नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जुड़े और मैं मस्ती कर पाऊँ बर्फ में। यार बहुत मन है मेरा मस्ती करने का, लेकिन ये बर्फ गिर ही नहीं थी और आज फाइनली 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 बर्फ ये गिर रही है। और तुमने मेरी आवाज़ सुनी है, वो बॉन्क रहा है, मैं इसको खोलना नहीं चाहता क्योंकि बाहर बर्फ है और बर्फ में ये लीक जाएगा। तो अभी मैंने इसको बंद करके रखा है अंदर फिलहाल के लिए। तो फिलहाल बर्फ बहुत ज़्यादा गिर रही है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक एक डेढ़ डेढ़ फुट तक जुड़ जाए और उसके बाद मज़ा आए बर्फ में घूमने का। तो बाकी रही बोंजर की बात, और बोंजर को मैंने बर्फ में जो दौड़ाना है ना, वो बहुत मज़ा आएगा। बस फिलहाल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बर्फ काफ़ी ज़्यादा गिर जाए, मज़ा ही आ जाए यार, मज़ा मज़ा क्या बताऊँ मैं, कितना एक्साइटेड हूँ। वो देख रहे हो आप टॉप पे, वहाँ पे बर्फ गिर चुकी है, मेरे कपड़ों पर भी कितनी बर्फ गिर चुकी है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि कब ये थोड़ी थोड़ी ज़्यादा और गिर जाए। मज़ा इंटू हंड्रेड इंटू इन्फिनिटी। फिलहाल मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, मैं चल रहा हूँ अंदर और आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाहर। सो गाइस, यहाँ पे तगड़ी बर्फ गिर चुकी है, अभी बहुत ज़्यादा बर्फ हो रही है और मैं दौड़ के छत पे आया हूँ। और बर्फ़ के साथ साथ और नुकसान भी है, आपको बताता हूँ। लाइट बिल्कुल भी नहीं है, मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा कम है, एंड बोंजर जब भी मेरे को देखता है मेरे पीछे पीछे भागता हुआ जाता है। बोंजर तेरी पहली बर्फ है यार। तो हर बार ये होता था कि जब भी यहाँ पे बर्फ़ गिरती थी और मैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली होता ही नहीं था, घर से बाहर ही होता था, तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करता था। आज फाइनली फाइनली मेरा वो ड्रीम दोबारा से एक बार ताज़ा आ चुका है। बचपन में मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरा करती थी इधर, उसके बाद बर्फ़ यहाँ पे गिरना बंद हो चुकी थी, कोई भी बर्फ़ नहीं गिरती थी इतनी ज़्यादा। और आज लग रहा है मेरे को कि बर्फ़ तगड़ी गिरेगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा गिरे और मस्ती करे, सब चीज़ों को छोड़ के इस चीज़ के लुत्फ मज़े लेते। नज़ारे हैं यार, कैमरे में इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा आपको देखने में, बट यहाँ पे अगर रियलिटी में आप देखोगे ना, इतना मज़ा कभी आएगा ही नहीं। और बिना सिगरेट के धुआं निकालने की टेक्निक हमें सर्दियों में बहुत अच्छी तरह से आ जाती है। ये रहे मेरे हाथ हैं, आप देख ही सकते हो कैसे धुआं निकल रहा है, वैसे ही जैसे सिगरेट पी के कोई धुआं निकालता है। मेरे सर पे भी पूरी बर्फ इकट्ठी हो चुकी है, मेरे कपड़ों पे। लुक एट माई हेयर एंड लुक एट माई कैप, कितनी ज़्यादा बर्फ यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है मेरे कपड़ों पे भी और यहाँ पे भी। बोंजर अंदर घुस जा बड़े, एंड लुक एट द बोंजर, ये कहाँ पे बैठा हुआ है, अपना घर छोड़ के उससे बाहर आके नज़ारे ले रहा है बर्फ के।
गाइस एंड नाउ लुक एट द व्यू आउटसाइड। और आप मेरे मुंह पे शेड देख रहे होंगे, इतना व्हाइट चीटा तो मैं नहीं हूँ, बट ये किसी और चीज की वजह से हो रहा है, तो मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ पहले। एंड गाइस लुक एट द व्यू आउटसाइड, पूरा व्हाइट व्हाइट हो चुका है यहाँ पे, और अभी तक बर्फ गिर रही है। जैसी एक्सपेक्टेशंस में कर रहा था तो वैसे ही सब कुछ हो रहा है। मुन्ना वीडियो में आने के लिए ये वीडियो कैमरे के आगे जा रहा है, तो बहुत अच्छा है मुन्ना, बहुत अच्छा है। कश्मीरी बना हुआ है पूरा। तो अभी फिलहाल मेरे को जाना है दुकान पे, थोड़ा सा कुछ सामान वगैरह लाना है, और मेरे को ग्लोव्स लेने अपने, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरे पास ग्लोव्स जो है वो नहीं है अच्छे से। तो मैं पहले जाता हूँ शॉप पे, वहाँ से ग्लोव्स लेता हूँ और कुछ खाने का सामान जो सर्दी में खाने का मज़ा आता है। तो लेट्स गो। तो मैंने छाता इस वजह से रख लिया है क्योंकि ये जो ना पिघल के मेरा फ़ोन ख़राब होने का अंदेशा हो सकता है। हाँ तू भी कितने दिन बाद व्लॉग में आया है, और मैंने भी काफ़ी दिन के बाद इतना एंजॉय करके ये व्लॉग डाल रहा हूँ। हाँ गाइस, आप रोड देखते हो, पीछे रोड भी पूरी वाइट हो चुकी है, पूरी रोड में इस वक्त बर्फ जम चुकी है पूरी तरह से, एंड पूरी हर जगह जहाँ भी देख रहा हूँ वाइट वाइट ही दिख रहा है। देख सकते हो पीछे लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए कैसे अभी पैदल जा रहे हैं, और गाड़ी वाड़ी तो चलेगी नहीं क्योंकि स्लिप हो जाएगा पहुँचना यहाँ पे। क्या अंकल ठीक हो, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो मंडी, मंडी मंडी जा रहे हो? मंडी जा रहे हो। अच्छा ठीक है ठीक है, बर्फ में गाड़ी नहीं चल रही है? सर गाड़ी कहाँ यार, बर्फ बहुत बड़ी पड़ी हुई है। बहुत बर्फ पड़ी हुई है, गाड़ी तो नहीं चलेगी, तो इस वजह से लोग पैदल ही जा रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, ओके खुदा हाफिज। तो अभी देखो अंकल दौड़ना स्टार्ट हो गए क्योंकि पता नहीं कब पहुँचेंगे यहाँ, इनको जाना है। कुछ लोगों को मजबूरी भी हो रही है, बट हमें मज़ा आ रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ में। और जी क्या क्या है ठीक हो जी, अभी अभी आए दुकान पे आप? मज़ा आ रहा है, मज़ा मज़ा ये सजा है, बस सही सही बता रहा ये वाली बात, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी मैं रोड के सेंटर में चल रहा हूँ, यहाँ पे कम से कम 3-3 इंच तक बर्फ इकट्ठी हो चुकी है सारे, मतलब ये भैया इनकी शॉप है यहाँ पे, बहुत लेट पहुँचे इसी बर्फ की वजह से। तो अभी फिलहाल मैं शॉप पे पहुंच चुका हूं, तो पहले यहां से लेते हैं ग्लोव्स, ग्लोव्स लेके उसके बाद थोड़ा कुछ छोड़ लेना है सामान, तो उसके बाद वापस चलते हैं घर पे। एंड बर्फ रुकते ही हम थोड़ा दूर जाएंगे, वहां पे आपको दिखाऊंगा मैं घूम घूम के नज़ारे यहां के। तो मैंने ग्लोव्स ले लिए, बहुत ज़्यादा गर्म है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, और बाहर का मौसम हो रहा है अभी बिल्कुल वाइट वाइट, यहाँ भी देखने को मिल रहा है पूरा वाइट वाइट, बर्फ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। रात को बर्फ नहीं थी बट अभी बर्फ गिर रही है, और एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ कि और ज़्यादा बर्फ़ आए, मज़ा आए और ज़्यादा। एंड अभी मैं ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ पब्लिक में, क्योंकि मेरे को जो हेजिटेशन है कैमरे की वो थोड़ी दूर हो सके, तो अपने आप से ही होती है। चल आ जा, छाता नहीं मैं ऐसे ही करूँगा। तो अभी यहाँ से हमने सामान वगैरह ले लिया, एक दोस्त ले लिए मस्त, काफ़ी गर्म है, ये भी जा रहे थोड़ा सा नीचे राउंड मारने के लिए, तो थोड़े सा और इंजॉय कर लेते हैं यहाँ पे। देखो कुछ लोगों के लिए सजा है बट कुछ लोगों के लिए मजा है। चलो भाई ठीक ठाक, बर्फ में मैंने बादल गरजते हुए पहली बार देखे, कि क्या होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है गाड़ी, पे 2-2 इंच बर्फ जो है वो इकट्ठी हो चुकी है, कहीं मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ज्यादा हो, 1-2 फुट तक हमें और खेलने में मजा आया, नहीं बना सही बात है नहीं, बहुत ज्यादा। तो साइड पे रुक लेते हैं, कैमरे को सेट कर लेते अच्छे से, फिर उसके बाद चलते हैं। तो मैं अपने लेस बांध लेता हूँ शूज के, मैंने लेस भी बांधे हुए। बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करने के बाद मैंने ये लेयर बांध ली है, एंड बार बार जो कैमरे के ऊपर बारिश पड़ रही है जिसकी वजह से स्क्रीन टच भी नहीं चल रहा था, फोन से शूट कर रहा हूँ, देखते ही देखते और ज़्यादा बर्फ इकट्ठी होती जा रही है। तो ये वाली बर्फ जो गिर रही है अभी, ये जूठी है बहुत ज़्यादा, और
छूटा हुआ छाता आप देख सकते हो, मैंने रखा हुआ ऊपर, बस मेरे को बचना है इसलिए क्योंकि मेरे कपड़े के गिले हुए थे, अभी छूटेंगे नहीं, तो फिलहाल चलते हैं घर। हाँ, और मैंने कुछ खाने के लिए सामान लेना था दुकान से, वो भी लूंगा, उसके बाद चलते हैं घर। चलो देखो गाइस, फिलहाल भी फुल मस्ती में, ये रात से प्रे कर रहे हैं कि बर्फ आए तो मैं मस्ती करूं बच्चों की तरह। मजा ही मजा। मैंने एक चीज और देखी, मैं सोच रहा था कि यहाँ तो व्लॉगिंग सिर्फ मैं ही करता हूँ, बट एक मोदी साहब को देखा मैंने, वो भी अभी व्लॉग बना रहे थे बर्फ का, मेरे को देख के बहुत खुशी हुई कि लोग इस चीज को समझ रहे हैं, अभी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड मैं भी अपनी एजुकेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई बैटरी 20% कोई घर पहुंचेंगे उसके बाद देखेंगे, होगा तो चार्ज फिलहाल। मेरे को देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि यहाँ भी व्लॉगिंग करना लोग स्टार्ट हो गए, और अभी मैं भी कंटिन्यू करूंगा व्लॉगिंग, एंड जो भी हेजिटेशन है मेरी बोलने की पब्लिक में, मैं वो दूर करने की कोशिश करूंगा। गाड़ी है वो, एंड गाइस खाने पीने का सामान मैंने ले लिया है जो कि सर्दियों में जरूर पड़ता है, मूंगफली एंड गच्चक। आप क्या बोलते हो इसको, आई डोंट नो, आप गच्चक को क्या बोलते हो, मूंगफली को क्या बोलते हो, यही बोलते हो मूंगफली। जितना मैंने घूमना था वो मैंने घूम लिया है, एंड वापस जा रहा हूँ मैं अपने अंदर। यहाँ पे देख सकते छोटा लाला जो हेल्प कर रहा था मौलवी साहब की व्लॉग में, लाला आर यू एंजॉयिंग, एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। रात को बर्फ थी? हाँ वो नहीं, रात को नहीं थी, सुबह 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 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अभी कंटिन्यू चल रही है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी चलते रहे क्योंकि हम एंजॉय कर सकते। मैं थोड़ी दूर भी जाने की कोशिश करूंगा, बट मेरे फोन की बैटरी सबसे बड़ा फॉल्ट है बैटरी का, तो मैं चलता हूँ पहले घर पे थोड़ी सी बैटरी चार्ज कर लेते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं आगे क्या बनता है। कपड़े पूरे गिले हो चुके, अंदर से भी गांठ पड़ने वाली है, लेकिन मजा ले लिया बहुत ज्यादा, अभी और ज्यादा बर्फ गिर रही है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और बर्फ हो, और ज्यादा मस्ती करें, एंड अभी के लिए फिलहाल था। अभी के लिए इतना ही।
फोन और चार्ज करते तो चलते हैं अंदर, अंदर चल के उसके बाद दोबारा बनाएंगे वीडियो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। गाइस आज का वीडियो हम खत्म करते हैं यहीं पे, एंड देखते हैं अगर इसके बाद कुछ हुआ तो दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं वेट करूंगा कल का, बर्फ छुड़ी हुई होगी, कहीं दूर चलेंगे, मस्त सा ब्लॉग लेके आऊंगा नेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नई और अनोखी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नॉट आज मुंगा बंद करेगा वीडियो, बाय स्टे ट्यून्ड प्लीज ब्रो, एंड टिल देन बाय बाय स्टे ट्यून्ड and peace, bro.